आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ बाकानेर में निकाली जन आक्रोश रैली, बड़ी संख्या में पहुंचे समाजन। बाकानेर के बड़दा फाटे से एक जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें काली पट्टी बांध का विरोध जताया, जिसका समापन ग्राम के विभिन्न मार्गों से होते हुए नदी पार पर यहीं किया। बायपास रोड पर समाजजनों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मलखान सिंह पटेल ने कहा कि मणिपुर में आदिवासी समाज की दो बहनों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है, वह घोर निंदनीय घटना है। मणिपुर में पिछले महीने से चल रही डबल इंजन की सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई है। इन घटनाओं में 200 आदिवासी भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। समाज की बहनों का बलात्कार किया जा रहा है। जब मां ने विरोध किया तो बेटे सहित 5 लोगों को मारकर जमीन में गाड़ दिया गया। धर्मपुरी के नालछा ब्लॉक के 2 आदिवासी को इंदौर में अपहरण करके उनके साथ मारपीट की गई। कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर जिस प्रकार से देश का जो सबसे बड़ा है सर्वे NCRB, उस सर्वे में देश के अंदर आदिवासियों पर जो अत्याचार बढ़े हैं, पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज हमने ज्ञापन दिया कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस पे संज्ञान ले, रोक लगाए। इसके साथ ही एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमारे देश के मणिपुर राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन कई दिनों से मणिपुर में हिंसा जारी है। वहां पर हमारे समाज के पहाड़ी लोग मणिपुर छोड़ करके जा रहे हैं। बहन बेटियों के साथ में कुछ दिन पहले आपने जो तस्वीर देखी, निर्वस्त्र करके उनके शरीर के अंगों को जो निचोड़ा जा रहा है, उससे आज पूरे देश के पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की धुत हो रही है। इस पीड़ा को लेकर के हमने यह मांग की है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करें और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रयास करें। इस मांग को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। तहसील के अंदर कई आदिवासी समाज के लोगों के जो है नामांकन